हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज मंडे 7th ऑफ अगस्त 2023 वी आर स्टार्टिंग द हिंदू एनालिसिस ऑन परफेक्शन आईएएस यूट्यूब चैनल। जो हमारा द हिंदू का एनालिसिस होता है, आप सबको पता है कि हम हिंदू एनालिसिस में करंट अफेयर्स मतलब आज की जो न्यूज़ होती है उस न्यूज़ के साथ साथ हम उसका स्टैटिक पार्ट भी कवर करते हैं। और ये स्टैटिक पार्ट ऐसे कवर किया जाता है कि आपका प्रीलिम्स 2024, 2025 और मेंस 2023 प्लस 2024, 2025 यूपीएससी के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। आज के डिस्कशन में अगर आप देखो तो 9 टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं और 9 से ज्यादा टॉपिक्स है। एक्चुअल में मंडे का वीडियो है, मंडे के न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा न्यूज होती है और न्यूज के साथ साथ एडिटोरियल सेक्शन में भी काफी ज्यादा आर्टिकल्स आते हैं, एक्सप्लेन सेक्शन में आर्टिकल आते हैं, तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। वहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको आज। फर्स्ट न्यूज इज अबाउट दी प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ रीवैम्प ऑफ 508 अमृत भारत स्टेशन। तो ये कौन से स्टेशन होंगे अमृत भारत स्टेशन? ये रेलवे स्टेशन होंगे। कौन से होंगे? रेलवे स्टेशन होंगे। और 508 रेलवे स्टेशन को रीवैम्प किया जाएगा। रीवैम्प का मतलब क्या होता है कि इनको और अच्छा किया जाएगा। ठीक है, इनको रीडेवलप किया जाएगा। तो ये जो मास्टर प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का, दिस मास्टर प्लान कंटेन्स एंड दिस हैज बीन डेवलप्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्टेशंस एज सिटी सेंटर्स। ठीक है, तो सिटी सेंटर बनाया जाएगा, इन सिटी सेंटर बनाया जाएगा किनको? जो ये आई गेस वॉइस का इशू था थोड़ा सा, बट इट्स फाइन नाउ। जो भी मास्टर प्लान है, ये हर एक स्टेशन को एक सिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द सिटीज प्लस दीज स्टेशंस विल हैव बेटर सीटिंग प्लेटफॉर्म्स, अपग्रेडेड वेटिंग रूम्स, फ्री वाईफाई एंड कन्वीनियंसेस। तो ये सारी चीजें होंगी। लोकल कल्चर का, लोकल डिजाइन का, लोकल आर्किटेक्चर का ध्यान रखा जाएगा और इंडियनाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा ताकि टूरिज्म बढ़ पाए। ठीक है, नाउ दिस स्कीम एम्स एट प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान ऑफ द रेलवेज। सबसे पहला पॉइंट क्या है? दैट इज अ मास्टर प्लान फॉर रेलवेज और रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट। ठीक है, एंड द की फीचर्स ऑफ दिस विल बी, फर्स्ट इज टोल प्लाजा, प्रोविजन फॉर रूफटॉप प्लाजाज। एक्चुअली में ये रूफटॉप टोल प्लाजा होगा, रूफटॉप प्लाजा होगा प्लस लॉन्गर प्लेटफॉर्म्स एंड ब्लास्ट लेस ट्रैक्स विद 5G कनेक्टिविटी। ठीक है, दीज आर द की फीचर्स ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम एंड प्रपोज्ड स्टेशंस। जो बाकी सारी फैसिलिटीज इन स्टेशंस पे प्रोवाइड की जाएगी, दैट विल बी हाई लेवल प्लेटफॉर्म होगा, गुड कैफेटेरियाज होंगे, स्पेस फॉर एग्जीक्यूटिव लॉन्च, ड्रेनेज फॉर प्लेटफॉर्म, सेरेमोनियल फ्लैग्स। तो ये सारी चीजें रिवैम्प के अंदर आएंगी और अराउंड अराउंड टोटल में हमें 1,000 स्मॉल स्टेशंस मॉडर्नाइज करने हैं, रिवैम्प करने हैं। अभी आप देख रहे हो तो 508 के लिए दी पीएम हैज अलाउड एंड इट हैज लेड दी फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एडिटोरियल सेक्शन में देर वॉज नॉट दैट मच ऑफ रेलिवेंस
when it comes to UPSC, but opinion mein, there is a critical topic about Jan Vishwas Act 2022. Jan Vishwas Bill 2022, this bill was passed and this act has amended, and the objective of this act was to decriminalize. The objective of this act was to decriminalize around 183 offenses across 42 legislations and to enhance ease of living and doing business in India. So, agar aap dekho to, it was to decriminalize 183 offenses, theek hai, across 42 legislations. क्या मतलब है इस चीज का? और डीक्रिमिनलाइजेशन से लेजिस्लेशन या ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा और क्या होगा इससे डीक्रिमिनलाइज करने से? तो द ऑथर हेयर हाइलाइट्स अ डिफरेंट डायमेंशन, बट द बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक इज कि अगर आप डीक्रिमिनलाइज कर रहे हो किसी चीज को, किसी ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वायलेशन बाई अ रिटेलर, अगर कोई रिटेलर कोई चीज बेच रहा है और वो वायलेशन कर रहा है कि वो एक्सपायर्ड चीज बेच रहा है, या वो ऐसा वायलेशन कर रहा है कि उसके जो वेट्स है वो वेट्स में उसने मैग्नेट लगा के बेच रहा है, तो ही इज सेलिंग एंड ही इज डूइंग दिस मैल प्रैक्टिसेस, और उसके लिए मे बी माइट हैव बीन हैविंग दिस, देयर माइट हैव बीन अ प्रोविजन इन द एक्ट फॉर स्ट्रिंजेंट पेनल्टी और स्ट्रिंजेंट जेल, या जेल टर्म होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा. जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, ठीक है, तो वी हैड दिस एक्ट नोन एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937. इस एक्ट के अंदर देर आर टू थ्री एक्ट जिनका एग्जाम्पल मैं दूंगा यहाँ पे. वन इज द एग्री प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937. इसमें काउंटरफीटिंग ऑफ गुड्स, जो किसी भी गुड्स के ऊपर एक डेजिग्नेशन मार्क होता है ना कि ये ग्रेड कौन सा है, इस गुड का ग्रेड क्या है, कोई भी अगर आप चीज खरीदने जा रहे हो तो उस पर एक ना मार्क होता है कि ये ग्रेड, ये गुड क्वालिटी का है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है. तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में ये होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड. अगर आपने उसमें काउंटरफीटिंग कर दी, ठीक है, कि ए ग्रेड वाला जो टैग था वो उठा के बी ग्रेड वाले प्रोडक्ट पे लगाया और उसको बेचा, देन देयर वाज एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years. ये एक प्रोविजन था अंडर दिस एक्ट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years प्लस अ फाइन ऑफ 5,000 rupees. ठीक है, दिस थिंग वॉज देयर. अब क्या किया है, this penalty is now being increased by this Jan Vishwas Act, और ये जो imprisonment है इसको क्या कर दिया, decriminalize कर दिया, तो इस penalty को 8 lakh rupees कर दिया, 8 lakh rupees कर दिया. प्लस ऐसे ही एक और एक्ट है हमारे पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, है ना, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है ये एक्ट हमेशा ड्यू टू प्रिवेसी इश्यूज. एंड दिस एक्ट सेज दैट अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया पर्सनल इंफॉर्मेशन को, है ना, तो दिस विल लीड टू ब्रीच ऑफ लॉ एंड इट इज पनिशेबल. कैसे पनिश होगा इसको, 3 साल की सजा होगी, 3 साल की जेल होगी, या फिर 5 lakh rupees का पेनल्टी लगेगा. दिस पेनल्टी हैज बीन नाउ इंक्रीज टू 25 lakhs. बट ये जो 3 साल की जेल है इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया. तो दीज आर सच इश्यूज, और ऐसे बहुत सारे रिविजन्स हैं, जैसे मैंने बोला 42 लेजिस्लेशंस आर देयर जिनमें रिविजन किया गया है इस एक्ट के द्वारा. अब अगर आपको इसको समझना है अच्छे से तो लेट्स गो थ्रू दिस टॉपिक, और इस टॉपिक का या इस एडिटोरियल का जो ये ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल आया है आज, इसका क्रक्स क्या है वो मैं आपको बता दूं, या इसका बेस क्या है, बिगिनिंग कहां से है इसकी. द ऑथर हियर हाइलाइट्स, ठीक है, कि अगर आप देखो तो लेजिस्लेशन का काम किसका है, है ना, लेजिस्लेशन का काम है किसका, पार्लियामेंट का, है ना, लेजिस्लेचर का काम है कि वो लेजिस्लेट करे, है ना, एग्जीक्यूटिव का काम है
इम्प्लीमेंट करना है ना, जुडिशियरी का काम है क्या करना, एडजुडिकेट करना किसी भी लॉ को. बट इस सब में आ गया है व्हाट, डेलीगेशन. और ये डेलीगेशन का मतलब क्या है कि जो लॉ बनता है या जो कोई पॉलिसी बनता है वो बनाता है एग्जीक्यूटिव है, अप्रूव लेजिस्लेचर करता है. क्यों? बिकॉज दिस लेजिस्लेचर कंटेन्स दोज पीपल हु आर एमेचर्स, दे डू नॉट नो द निट्स एंड ग्रिट्स, दे डू नॉट नो द टेक्निक्स, दे डू नॉट नो द टेक्निकलिटीज एट द ग्राउंड लेवल. सिमिलरली इस जुडिशियरी में भी ऐसा ही हुआ ड्यू टू ओवरबर्डनिंग ऑफ जुडिशियरी. 4 crore+ केसेज आर देयर विच आर ओनली क्रिमिनल केसेज ओनली, है ना, और उसकी वजह से ये एडजुडिकेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा हैवी हो गया है ना. तो अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक मैकेनिज्म निकाला ट्रिब्यूनल्स का. बट दी ऑथर हाईलाइट्स कि ये जो ट्रिब्यूनल्स है ये हमने कहां से लिए, इन ट्रिब्यूनल्स में कौन लोग होते हैं, इन ट्रिब्यूनल्स में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और या तो फिर क्वाजी जुडिशियल होते हैं ये, तो इसमें कुछ जुडिशियरी के मेंबर्स भी होते हैं इन ट्रिब्यूनल्स में. बट दिस ट्रिब्यूनल्स, दीज ट्रिब्यूनल्स एंड द जुडिशियरी डेलीगेटिंग इट्स वर्क टू ट्रिब्यूनल्स हैज लेड टू ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, कि द जस्टिस विच वॉज द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ जुडिशियरी इज नाउ बींग हैंडेड ओवर टू एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेट्स और द टेक्निकल एक्सपर्ट्स जिनको हम बोलते हैं, जो इन ट्रिब्यूनल्स में बैठते हैं. और ऐसी ही हमने कुछ रेगुलेटरी बॉडीज भी बनाई है, जैसे सेबी बना दी है ना, ईडी बना दी, जिनके पास पावर्स है कि वो क्या करे, वो पीनलाइज करे लोगों को, है ना, उनको सजा दे, क्या सजा दे, उन पे फाइन लगाए, उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर दे. अटैच करने का मतलब क्या होता है, सीज कर देना. तो अगर ये पावर टू इम्पोज फाइन एंड टू इम्पोज पेनल्टी एंड टू इम्पोज जेल टर्म इन बॉडीज के पास भी है, जुडिशियरी के पास भी है, ये लॉ मेकिंग का प्रोसेस भी डेलीगेट हो चुका है, तो ऑथर हियर हाईलाइट्स दिस थिंग दैट व्हाट शुड वी डू इन सच सिनेरियो, और यहाँ पे हमें किस चीज में कॉशन बरतना होगा और किस चीज में हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी और एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है. लेट्स गो थ्रू द एडिटोरियल. जन विश्वास बिल 2002 एंड पार्लियामेंट हैज लाइक ही हियर हाईलाइट्स दैट हाउ मच दिस बिल वाज टाउटेड बिकॉज दिस बिल हाईलाइटेड और दिस बिल एम्ड एट इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया एंड इट मेड द ऑफेंसेस व्हिच वर अर्लियर कंपाउंडेबल, और इसने उन ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया. Same as I said earlier, जैसा मैंने आपको explain किया. This has replaced the criminal imprisonment with penalties. However, ये penalties को impose करने का जो power है, ये किसके पास चला गया? From judiciary to bureaucracy. That's what I have been highlighting here. Like, जैसे ये बोलते हैं कि जन विश्वास amendment, जन विश्वास act जो है, it amends EPA, Environmental Protection Act, Air Prevention and Control of Protection Act, and replaces the imprisonment of certain provisions with penalties of up to 15 lakh which will be imposed by joint secretaries. ठीक है, अब इससे हुआ क्या, या forest rights act में भी ऐसा ही हुआ compensation का. अब ये compensation कौन decide करेगा, उसके लिए अलग authority है. Now the thing is he highlights here कि इसी से क्या हुआ that this function of judiciary is being transferred to some other tribunal, to some other body, to some bureaucrat. Similarly, the tax terrorism, there is no surprisingly no opposition to giving the bureaucracy the power to be both prosecutor and judge while imposing penalties and ordering the payment of compensation. Done. So that's it. Uske baad, the author here highlights the issue of tribunals. First is ki humne tribunals banaye just to function ki ha abhi tak jo bureaucracy mein issue tha usko mention us cheez ko solve karne ke liye. प्लस हमने इन ट्रिब्यूनल्स में ब्यूरोक्रेट्स को भी अपॉर्चुनिटी दी एज टेक्निकल मेंबर्स. सेकंड इज वी सेट अप स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, विद पावर टू पनिश द प्राइवेट सेक्टर विद पनिशिंग फाइन्स. एंड थर्ड इज द एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स इन अ नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस सच एज PMLA, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट,
फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट, इसमें भी हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को जैसे ईडी हो गई पावर दे दिया टू इम्पोज पेनल्टीज एंड टू इम्पोज फाइन्स। बट यहाँ पे ऑथर हाईलाइट्स, क्या ये ऑफिसर्स, एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स जिनको हम बोलते हैं, जो यहाँ पे एडजुडिकेशन पे काम करते हैं, जो यहाँ पे जस्ट ये पेनल्टीज को इम्पोज करते हैं, फैसला देते हैं किसी केस में, आर दे रियली दैट मच कॉम्पिटेंट एंड कॉम्पिटेबल? तो द कोर थिंग इज हेयर, वॉट इज द जुडिशियल फंक्शन? ठीक है, अगर वो जुडिशियल फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो देन इट्स समथिंग विच इज गोइंग बियॉन्ड, है ना। तो he here highlights that while there is much case law in the context of the taxation laws on whether penalties are civil or criminal in nature, okay, there does not appear to be any significant judicial precedent on whether the imposition of a penalty is a judicial function or not. So this imposition of penalty could be a judicial function and could not be a judicial function, and that is something which judiciary has to decide. However, hame ye issues mil gaye hain aur hame ye प्रॉब्लम्स मिल गई है कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं, है ना। ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज में पूछ चुके हैं हमारे कोचिंग में परफेक्शन आईएएस में, दैट हाउ द ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, है ना, एंड हाउ द जुडिशियलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स इज इम्पैक्टिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द टॉप लेवल टिल द बॉटम इन इंडिया, लीडिंग टू द एक्सप्लेन सेक्शन ऑफ दिस पेपर। और इसमें सबसे पहला टॉपिक था अबाउट इंडियाज शुगर सरप्लस। इंडिया इज करंटली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, ठीक है, इट हैज ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है और अभी इंडिया काफी आगे बढ़ रहा है व्हेन इट कम्स टू शुगर प्रोडक्शन। और अगर आप यहाँ पे देखो तो दिस एक्सेस शुगर प्रोडक्शन, है ना, जो एक्सेस में शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज इंडिया इज वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट, फर्स्ट इट्स प्रोड्यूसर एंड सेकंड इट्स द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द दिस शुगर केन, दिस शुगर। अब अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूम करने के बाद जो एक्सेस प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का क्या होगा, और उस प्रोडक्शन से अब अगर हम कंज्यूमर्स है तो हमें डोमेस्टिक डिमांड को तो मीट करना ही करना है, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम्स लेके आ गए लाइक फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस लेके आ गए। अब ये फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है, ठीक है, शुगर केन पे ये फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कौन सेटअप करता है, ये हम देखते हैं अभी। एफआरपी, इसका क्या मैकेनिज्म है, इसके पीछे क्या क्या चलता है, वो सब हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। हाउएवर इसमें पहले आगे बढ़ते हैं, इस एडिटोरियल को खत्म करते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैज ऑल्सो ऑफर्ड हैवी सब्सिडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफआरपी दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने सब्सिडीज दे दी, उसके बाद अगर आप देखो तो इंडिया टुडे या इतना ज्यादा हमने सब्सिडाइज कर दिया या सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया एग्रीकल्चर को विद रिस्पेक्ट टू शुगर, तो जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स थे, चाहे वो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला, दे फाइल्ड अ कंप्लेंट इन WTO। हाउएवर इंडिया लॉस्ट दैट केस, दैट कि कैसे इंडिया इतना ज्यादा सपोर्ट कर सकता है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब जितना भी हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन निकल रहा है ना, इस एक्सेस प्रोडक्शन से, इसके निकलने से भी थोड़ा सा दिक्कत है, और इसके बाद इस एक्सेस प्रोडक्शन के यू मतलब इस एक्सेस प्रोड्यूस को पैदा करने में भी दिक्कत है, ठीक है, कि कैसे हम इस चीज को बना रहे हैं, फार्मर्स कौन सी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कैसे वो शुगर केन का कल्टिवेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको यूज कैसे कर रहे हैं, तो दोनों चीजों में थोड़े थोड़े इश्यूज हैं जो हम देखने वाले हैं। तो इशू इज फर्स्ट कि हमारे पास जो एक्सेस सरप्लस था तो हमने डाइवर्ट कर दिया इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, और इथेनॉल प्रोडक्शन हमारी इतनी बढ़ गई कि वी हैव अचीव्ड द टारगेट ऑफ 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 10 months अहेड ऑफ द टारगेट। हमारा टारगेट था 2025 का 20% का, बट हमने 10% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, ठीक है। सो हाउ डज द एक्सेस शुगर केन कल्टीवेशन इंपैक्ट द ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर के लिए अगर आप देखो तो 100 kg ऑफ शुगर नीड्स अराउंड 200,000 liters ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन, है ना। तो इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर हम पंप कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इंडिया के 80% ऑफ द सिटीज में देर इज दिस प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाटर, रिसीडिंग ग्राउंड वाटर। अब रूरल एरियाज में भी होगा, फिर एल्कलाइजेशन ऑफ सॉइल होगा, फिर सैलिनाइजेशन होगा, और फिर सॉइल में
वही सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो पंजाब हरियाणा में आ रही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है दैट बाय इंट्रोड्यूसिंग हाउ व्हाट टू डू व्हाट आर द सॉल्यूशंस नाउ, अगर ग्राउंड वाटर में इतनी प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस क्या है। फर्स्ट इज सॉल्यूशन इज दैट सरप्लस प्रोडक्शन जो हमारा है ना, द एक्सेस शुगर प्रोडक्शन शुड बी क्लियर एंड दैट सरप्लस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स हैव इनॉर्मस फाइनेंशियल गेन्स, वो तो हमें पता है। जो भी हम एक्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं है ना, उस चीज को रोकने के लिए वी नीड टू डाइवर्सिफाई दी स्कीम्स। अगर हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, अगर क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कराना है तो हमें सब्सिडीज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा है ना। जैसे देर वॉज दिस कल्चर ऑफ मोनोक्रॉपिंग और द मोनोकल्चर है ना, जो यहाँ पे भी हाईलाइटेड है, दिस मोनोकल्चर इन अदर थिंग्स लाइक वीट लाइक राइस, इसमें मोनोकल्चर आ गया था। नाउ वी आर प्रमोटिंग व्हाट, मिलेट्स है ना। हो सकता है कुछ टाइम में हम मिलेट्स पे सब्सिडीज भी देना शुरू कर दें, मिलेट की प्राइसिंग कम कर दें, मिलेट पे सब्सिडीज देना शुरू कर दें, और या मिलेट्स को पीडीएस में देना शुरू कर दें है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली उससे क्या होगा, व्हेन वी आर डाइवर्सिफाइंग दी सब्सिडीज, राइस वीट जब तक था, अभी अगर मिलेट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, देन दिस विल लीड टू मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न्स। ठीक है, एंड दैट इज द थिंग जिससे हम इक्विटेबल इनकम इंश्योर कर सकते हैं। प्लस अगर जब तक हम ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया का मोस्ट पोर्शन ऑफ दिस स्टेट्स दे आर ड्रॉट प्रोन स्टेट्स बिकॉज पेरिनियल रिवर्स हमारे पास कम है, हमारे पास सीजनल रिवर्स ज्यादा है, तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग कि हमें ड्रिप इरिगेशन पे काम करना चाहिए है ना। प्लस द बेस्ट थिंग विच ऑलवेज हैज बीन टॉट आउट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड द ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे करें, कैनाल इरिगेशन कैसे करें, मिनिमाइज कैसे करें द स्ट्रेस ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स, और उन चीजों पे हमें काम करना चाहिए इसमें। नाउ अभी हम देखते हैं पहले कि ट्रेडिशनल जितने भी हमारे पास क्या थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स थे, वो देखते हैं, और शुगर केन का थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं। सो बैक टू बेसिक्स ऑफ शुगर केन। बेसिक्स अगर आप देखो तो शुगर केन इज ग्रोन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 21 to 27 डिग्री सेल्सियस विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या ये शुगर केन, और रेनफॉल कितना चाहिए होगा इसको, 75 to 100 सेंटीमीटर। सॉइल कैसा चाहिए, सॉइल चाहिए डीप रिच लोमी सॉइल। ठीक है, और टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है, सो दिस कैन बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ठीक है, एंड द सॉइल रेंजिंग फ्रॉम सैंडी लोम टू क्लेई लोम, प्लस दिस आल्सो नीड्स मैनुअल लेबर। शुगर केन से हम क्या क्या निकालते हैं, वी प्रोड्यूस शुगर, गुड़ या जैगरी जिसको बोलते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स, एंड खंडसरी एंड मोलासेस। ठीक है, सो देर इज दिस स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द शुगर अंडरटेकिंग्स एंड नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूअल्स विच आर द टू इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू सपोर्ट शुगर केन प्रोडक्शन। तो दो चीजें हैं अभी जो चल रही है, फर्स्ट इज scheme for extending financial assistance to sugar undertakings and national policy on biofuels। ठीक है, FRP और MSP को थोड़ा सा देख लेना खुद से। What I will do here is, मैं आपको वो वाला टॉपिक कराऊंगा जो शायद आपको करने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप खुद से करो तो। तो the topic will be that
और हर साल इस पे क्वेश्चन आता ही आता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स ऑफ इंडिया, जो एंशंट मेडिवल मॉडर्न या कभी भी थे हमारे पास या अभी भी हैं हमारे पास. ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि ये क्यों होता है ऐसा, बिकॉज दिस इज द कम्युनिटी एरिया और कम्युनिटी डिसाइड करती है कि हम रेन वाटर हार्वेस्ट कैसे करेंगे. तो सबसे पहला है पावर सिस्टम. दिस इज अ कॉमन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान. और इसमें क्या करते हैं कि एक कैचमेंट एरिया होता है, ठीक है, और उस कैचमेंट एरिया से जो है सैंडी सॉइल है राजस्थान में, हम सबको पता है, और वहां से पानी नीचे से परकुलेट होता है उस कैचमेंट एरिया से, और बीच में एक जगह पे ऐसा एक गड्ढा सा खोद के उस गड्ढे में वो पानी स्टोर हो जाता है. तो टू एक्सेस द राजानी पानी, ठीक है, इसको एक्चुअल में बोलते हैं ये लोग, एक जो टर्म्स यूज करते हैं आगर बोलते हैं. आगर इज कैचमेंट एरिया, ठीक है, और यहां से इस कैचमेंट एरिया का पानी जो परकुलेट होके जमा होता है, ठीक है, उस पानी को बोलते हैं राजानी पानी, विच इज द परकुलेटेड वाटर. और जहां पे ये जमा होता है या जो गड्ढा होता है उस गड्ढे को बोलते हैं कुई और बेरी, ठीक है, एंड दिस बेरी इज डग इन द अगोर, दैट इज द स्टोरेज एरिया, जिसको बोलते हैं अगोर या आगर जिसको बोलते हैं, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट. सेकंड इज नोन एज तालन या बांधी, ठीक है, बांधी. तो ये है क्या, ये एक्चुअल में तालाब है, तालाब, ठीक है, ऐसे हम नॉर्मली भी बोलते हैं, मतलब नॉर्मल पार्लेंस में भी तालाब यूज करते हैं एक वर्ड. दीज कैन बी नेचुरल पॉन्ड्स, है ना, एंड दीज आर फाउंड इन द बुंदेलखंड रीजन. बुंदेलखंड रीजन एंड दे कैन बी ह्यूमन मेड ऑल्सो, और ह्यूमन मेड अगर आप देखने हैं तो आप उदयपुर जाओ, ठीक है. एंड दीज रिजर्वायर्स आर बिगर, और ये इतने बड़े होते हैं दैट अगर ये बहुत बड़ा है, ठीक है, 5 बीघा, 5 बीघा से बड़ा है तो इसको तलाई बोलते हैं, ठीक है. और अगर ये मीडियम साइज है, ठीक है, और अगर ये मीडियम साइज है तो इसको तालाब बोलते हैं. और अगर यही चीज बिगर लेक्स, इससे भी बड़ा लेक है, तो देन इसको बोलते हैं क्या, समान, है ना. तो दी पोखरियन या पॉन्ड जिसको बोलते हैं, पॉन्ड को पोखरियन बोलते हैं, तालाब, पॉन्ड या पोखरियन. These are actually, they serve for irrigation and drinking water purposes. These are the reservoirs. However, these reservoirs dry up just a few days after the monsoon. The pond beds are cultivated with rice usually. ठीक है? तो ये आप लिखते चले जाओ, ठीक है. Third is Saza Kuwa. This is an open well. इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं. साजा कुआ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन मेवाड़ एरिया ऑफ ईस्टर्न राजस्थान. द सॉइल विच इज हेयर डग आउट फ्रॉम द पिट इज यूज टू कंस्ट्रक्ट अ ह्यूज सर्क्यूलर फाउंडेशन और एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म स्लोपिंग फ्रॉम द वेल, ठीक है. एंड फर्स्ट इट्स बिल्ट टू अकोमोडेट द रिहात, ट्रेडिशनल वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, ठीक है, और इसी में यूज होती है रिहात, ठीक है, या द व्हील सिस्टम जिसको हम बोलते थे पहले. तो इट इज वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, ठीक है. एंड द स्लोपिंग प्लेटफॉर्म इज फॉर द चाढ़ा इन विच बफेलोज आर यूज टू लिफ्ट वाटर, ठीक है. और उसके बाद हमारे पास आता है चौथा, विच इज जोहड़. जोहड़ आर स्मॉल अर्थन चेक डैम्स, ठीक है,
They are used to capture and conserve rainwater, improving percolation and groundwater recharge. ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए प्लस रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इनको 1984 में have been seen a revival of some 3000 johards spread across 650 villages in Alwar district of Rajasthan. ठीक है, एंड दिस हैज गिवन जनरली अ राइज ऑफ ग्राउंड लेवल वाटर बाय 6 meters. 6 meter इंक्रीज हुआ है ग्राउंड वाटर लेवल में in Rajasthan in the past, I guess around 16 years. ठीक है, 1984 से लेके अभी तक 84 से not 16 years, I guess more than 16 years यार. ठीक है, 1984 से लेके अभी तक है ना, तो it is like I guess 26 years. तो more than 6 meters of rise is there, है ना. उसके बाद there is one more, that is the fifth one, that is part. ठीक है, या इसको अगर आपको देखना है तो ये आपको एमपी के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा. ठीक है, एमपी के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पार्ट सिस्टम है. पार्ट सिस्टम इज व्हाट, दिस इज आल्सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. एंड पर्टिकुलरली होता क्या है कि जो आपका टेरियन होता है, दैट इज नेचुरली इन दैट थिंग, कि यहाँ से पानी नीचे स्विफ्टली फ्लो हो रहा है हिल स्ट्रीम्स इन टू द इरीगेशन चैनल्स, और यहाँ से ये इसके इरीगेशन चैनल्स बना के अपने अपने खेतों में लेके जाते हैं. ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, लिटिल सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कैन यू सी इन द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑल्सो. फिफ्थ वन इज झालराज, आई गेस इट्स सिक्स्थ वन. हाँ, and jhalar is typically a rectangular shaped step well that have tiered steps on 3 to 4 sides. ठीक है, तो tiered steps मतलब ऐसे गोल गोल उसके steps होते हैं, और उन्ही steps पे इंसान नीचे जाते 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 नीचे जो पानी होता है वो उठा के लाते हैं. दीज स्टेप वेल्स कलेक्ट द सबटेरेनियन सीपेज ऑफ एन अपर स्ट्रीम रिजर्वायर एज अ लेक. ठीक है, तो अगर कहीं पे पानी चल रहा है, रिजर्वायर है, तो यहाँ पे ये इतना ज्यादा डीप जाते हैं कि वो जो वहां से पानी परकुलेट होके नीचे जा रहा है जमीन के अंदर, वो यहाँ इस लेक में या इस रिजर्वायर में नीचे या तो जमीन से परकुलेट होके वहां पे जमा हो जाए, या तो फिर इसके आसपास जितना भी कैचमेंट एरिया है वहां से पर्कुलेट होके इसके अंदर चला जाए. तो झालराज दे आर फाउंड इन द सिटी ऑफ जोधपुर. ठीक है, द ओल्डेस्ट झालर अगर आपको देखना होगा तो आपको महामंदिर जाना होगा, महामंदिर झालर इन द सिटी ऑफ जोधपुर ओनली. और वहां पे अगर आप देखोगे तो There are 8 Jhalaras, okay, which date back to 1660 CE. ठीक है, तो इसके बाद और भी चीजें हैं जैसे बवाड़ी है ना, टंका. एंड फॉर मी, इफ यू आस्क मी पर्सनली, ऑल आर इंपॉर्टेंट. आहार पाइन एंड पानम केनी, डू टेक्स्ट मी. और आप कमेंट सेक्शन में बावली, नदी, जिंग, खुल, जाबो, इरी, देर आर मल्टीपल थिंग्स एंड मल्टीपल ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इन इंडिया. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, इधर यू ड्रॉप अ मैसेज ऑन दिस नंबर, तो मैं इसमें एक थोड़ा सा 5 मिनट का या 3 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा. और अगर आपको इस नंबर पे मैसेज नहीं करना है तो प्लीज मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि सर वी नीड अ वीडियो ऑन दीज ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स. ठीक है, या तो फिर आप अपने खुद से कर लेना, जैसे भी आपको सही लगे. अगर आपको वीडियो चाहिए तो वी विल मेक अ वीडियो ऑन दिस. देन बैक टू द नेक्स्ट एडिटोरियल फ्रॉम द एक्सप्लेन सेक्शन. दिस एडिटोरियल इज अबाउट द इंटरमीडियरीज और द टेक जायंट्स. दो चार दिन पहले भी हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर आप समझो इस चीज को, तो एक न्यूज़पेपर है ना, तो एक पब्लिशर है,
और ये पब्लिशर कहाँ पब्लिश करता है कंटेंट? ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां पे भी ये पब्लिश करता है अपना कंटेंट किसी भी वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे इस पब्लिशर का एक तो कंटेंट होगा प्लस वहां पे एड्स होंगे, ठीक है। तो ये जो गूगल के वेबसाइट्स होंगी, गूगल के पेजेस होंगे जहां पे एड्स चल रहे होंगे, वहां से जो रेवेन्यू आएगा वो किसके पास जाएगा? वो गूगल के पास जाएगा, बिकॉज दे आर अर्निंग आउट ऑफ इट। प्लस जो ट्रैफिक ऑनलाइन है, जो ट्रैफिक ऑनलाइन एक्सेस कर रहा है, जो लोग ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं न्यूज को, वो लोग सारे गूगल के थ्रू, उन एड्स के थ्रू इंटरैक्ट हो जाएंगे। और उन्हीं चीजों से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक्चुअल में कंटेंट पे काम कर रहा है पब्लिशर, ये न्यूज तैयार कर रहा है, इसने अपने रिपोर्टर्स भेजे, सब कुछ कर दिया, देन वंस दिस न्यूज इज इन दिस फॉर्म, तो गूगल इसको पब्लिश कर लेता है ऑनलाइन। पब्लिश करने के बाद मे बी पब्लिश करने पे गूगल को उतना ज्यादा लाइक दे माइट नॉट बी अर्निंग दैट मच आउट ऑफ द पब्लिकेशन, बट यस दे आर अर्निंग ड्यू टू ऑल द ट्रैफिक विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस वेबसाइट एंड थ्रू दिस इंटरमीडियरी। और उससे होता ये है कि जो ये पब्लिशर है उसके पास इस रेवेन्यू का कोई बेनिफिट नहीं जाता है ना, इसके पास कोई बेनिफिट नहीं जाता है, तो क्या होता है उस चीज की वजह से दिस न्यूज जो ये पब्लिशर है ये दिन ब दिन पीछे चला जाएगा, है ना? अब यहीं पे ये जो प्रॉब्लम है जो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, इस चीज को लेके बहुत सारी गवर्नमेंट्स का कंसर्न है, और बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैव प्लेस्ड ब्लॉकेड्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, है ना, यूएस, इंडिया इज ऑल्सो थिंकिंग ऑन द सिमिलर पैटर्न। कि प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इन टेक जायंट्स का ये जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू इस पब्लिशर की वजह से आ रहा है, इसके कॉन्टेंट की वजह से आ रहा है, तो इस रेवेन्यू में इस पब्लिशर का शेयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना? तो शेयर जरूरी है कि वो इस पब्लिशर का भी होना चाहिए, बट जब भी कोई गवर्नमेंट, जैसे वो अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने या न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने जब भी ऐसा कोई लॉ लेके आए, है ना, कि जो इस चीज को मैंडेट करे कि जो इंटरमीडियरीज है वो पैसा दे, जितना भी वो पैसा कमा रहे हैं न्यूज इंटरमीडियरीज बन के, उस पैसे का एक शेयर जाए इन पब्लिशर्स के पास भी, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो टेक जायंट है, क्योंकि इनका मोनोपोली है, ये बहुत ही बड़े जायंट्स है और इनका एक्सेस है, तो ये लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, जस्ट टू bargain more and more on such matters, what they do is they won't listen to that government or wo news ko hi block kar dete hain. Waise hi hua tha pichle saal February 2021 mein, Facebook blocked the users of Australia from posting any news, theek hai, aur tab tak jab tak wo bargaining code wahan pe implement nahi hua, aur uske baad agar aap dekho to Australia mein there is around an annual flow of $200 million जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट में आएगा या ऑस्ट्रेलिया के जो न्यूज पब्लिशर्स हैं उनके पास जाएगा वो पैसा, कहां से? इन प्लेटफॉर्म से, बिकॉज दे आर यूजिंग दैट न्यूज, है ना? तो सेम इज द पैटर्न हियर ऑल्सो, कैनेडा में भी व्हाट दे डिड वाज दे इंट्रोड्यूस्ड दिस बिल नोन एज कैनेडा ऑनलाइन न्यूज एक्ट, है ना, और उस पर अभी दिस मेटा दैट इज द इंस्टाग्राम एंड ऑल, मतलब गूगल, है ना, तो ट्विटर एंड ऑल, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स, व्हाट दे डिड वाज दे ब्लॉक्ड द यूजर्स ऑफ कनाडा फ्रॉम पोस्टिंग और एक्सेसिंग एनी न्यूज रिपोर्ट ऑन इट्स फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स आफ्टर दिस एक्ट केम इनटू पिक्चर। दिस स्टिपुलेटेड डिजिटल प्लेयर्स शुड पे न्यूज पब्लिशर्स फॉर द कंटेंट दैट इज मेड अवेलेबल ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स बेस्ड on a fundamentally flawed premises and the only way we can reasonably comply is to end availability in the Canada. Aisa bola hai kisne? Meta ke spokesperson ne, that ki ye jo law hai ye hamare against mein, hamare hit mein nahi hai, to isliye hame kya karna, hame jo hamare paas last option bachta hai wo ye hai ki hum apni services ko band kar de Canada mein. However, thode din mein, because they will lose more than the government of the Canada, to they will bargain, है ना, और उसके बाद ये चीज ठीक हो जाएगी। बैक टू यूपीएससी, तो यूपीएससी में व्हाट वी नीड टू नो इज, हमने देख लिया इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं, है ना, इस बिल के प्रोविजंस क्या क्या है एंड हाउ दे मेक मनी, और इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है इस लॉ का। तो अगर आप देखो हमारे लिए, है ना, अभी तक हमारे पास कोई प्लान नहीं है,
to make tech giants like Facebook, Instagram to pay for the publishers or the local content. तो अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक कंप्लेंट गया था फ्रॉम द डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन, जिसका नाम है डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन इन 2022, कि यू नीड टू इन्वेस्टिगेट. ये लेके गए थे कंप्लेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, दैट देन दिस देन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑर्डर्ड इन्वेस्टिगेशन इनटू गूगल. इन दिस प्रोसेस द वॉचडॉग डिड टेक नोट ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ, अगर हम देखें तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस है ना, सिमिलर काइंड ऑफ लेजिस्लेशंस आ चुके हैं. और इंडिया की अगर बात करें तो करंटली वी हैव अराउंड 800 मिलियन ऑनलाइन यूजर्स. ठीक है, तो देर आर बिगेस्ट इंटरनेट इनेबल्ड नेशंस, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेट इनेबल्ड नेशन इज इंडिया. और अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया में 800 मिलियन डॉलर्स अगर आ सकते हैं तो इंडिया में कितना शेयर आ सकता है इस चीज से. दिस मेक्स इट इम्पॉर्टेंट और डिजिटल न्यूज इंटरमीडिएट्स पे इंडिया क्या क्या कर रहे हैं और इंडिया में क्या क्या चीजें हो रही है वो चीजें हम देखेंगे. वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद इट, बट यस वी विल गो थ्रू इट वंस मोर. उस पर एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा एंड मूविंग अहेड. ठीक है, तो दिस इज द इंटरनेट to consumers around the world. Starlink satellite constellation, kya hai Starlink satellite constellation, kya hum chote 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 itne hazaron satellites bhejenge lower earth orbit mein, itne sare satellites bhejenge ki ye sare satellites jo hai aapko internet provide karenge. Theek hai, to ab news mein kyun hai, because earlier agar aapko yaad ho isi saal mein Starlink jo Elon Musk ka ek project hai, this promised Ukraine government that it will help the Ukraine government with the Starlink. ठीक है, अब ये Starlink project है space के लिए. Space में किस लिए? Internet के लिए. ठीक है, internet connectivity होगी तो surveillance होगा, communication होगा, है ना. बट अगर यही प्रोजेक्ट, ये एक प्राइवेट ओनर है ना, प्राइवेट प्रोजेक्ट, यही प्रोजेक्ट दो कंट्रीज का जो वॉर चल रहा है उसका डिस्कोर्स सेट करता है कि मुझे अगर इसके साथ जाना है तो ये क्या करेगा और मुझे इसके साथ नहीं जाना है तो इसका क्या होगा. ठीक है, दिस मे हेल्प. और एक्चुअली द ट्विटर दिस सीईओ स्टारलिंक का सीईओ इलॉन मस्क, हुआ ये था दैट देयर वर एलिगेशंस कि स्टारलिंक इज हेल्पिंग यूक्रेन, कि जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं उसमें हेल्प कर रहे हैं. और उस टाइम पे इलॉन मस्क केम एंड ही क्लियर्ड ऑल ऑफ दीज नोशंस. और उस टाइम पे उन्होंने बोला दैट नो, स्टारलिंक इज नॉट हेल्पिंग दिस व्हाट वी कॉल यूक्रेन इन एनी सच मैटर. बट अगर आप देखो तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टारलिंक हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि इट्स ओनली अ पर्सन, ओनली वन पर्सन इज देयर who is deciding everything of the war between the two countries. Okay, it's only one person who is deciding war between two countries. Or agar aisa hi chala, agar aisa hi chalne diya gaya, so then how will you think of it that a one person hai na, that to a private person driven through commercial interests hai na. तो अगर कल को न्यूक्लियर वॉरफेयर में कन्वर्ट हो गया कोई भी वॉर, तो व्हाट डू यू थिंक दैट द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमैनिटी विल बी. लेट्स गो थ्रू दिस स्टारलिंक प्रोजेक्ट, इसका थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं, उसके बाद वी विल कम बैक टू द डिस्कशन. ठीक है, ऑफ दिस एडिटोरियल. फर्स्ट इज द स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है कंप्राइज ऑफ कॉन्स्टेलेशंस, और 3000 से ज्यादा सैटेलाइट्स इसमें जाएंगे, विच इज प्रोजेक्टेड टू बी 10,000. ठीक है, 3000 से 10,000 तक के सैटेलाइट्स, अभी तो 3000 जा रहे हैं. ठीक है, अभी तक अगर आप देखो तो अभी करंटली देयर आर 3000 सैटेलाइट्स व्हिच आर देयर इन द स्पेस. 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था इस प्रोजेक्ट को, और 3000 ऑलरेडी है स्पेस में. अब ये क्या करेंगे और इसके लिए कितना हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होगा, एक्सेसिबिलिटी किसको मिलेगी, तो करंटली दे आर हेल्पिंग एंड्रॉयड एंड आईओएस यूजर्स. और एक ऐप आती है
जिस जो ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करती है, कि आपको वो वहां से एक एंटीना, या जिसको आप बोल सकते हो कि नॉर्मल में रिसीवर, आपको लेना होगा उस ऑर्गेनाइजेशन से, और वो आपको दिखा देगा वो एप्लीकेशन कि आपको ये रिसीवर कहाँ पे प्लेस करना है, और आपको सिग्नल मिल जाएगा कहाँ का, स्टारलिंक का, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस इंटरनेट. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. दे हैव एक्सपेंशन प्लान्स अराउंड नॉट ओनली टू 10,000 बट टू अराउंड 42,000 सैटेलाइट्स. 42,000 सैटेलाइट्स मे बी देयर इन द नियर फ्यूचर. ठीक है, दिस इज द एम्बिशियस प्लान ऑफ स्पेसएक्स, एंड दे माइट बी ऑर्बिटिंग द अर्थ इन द नियर फ्यूचर. 42,000 सैटेलाइट्स. और अगर आप देखो तो दिस लीड्स टू व्हाट? दिस लीड्स टू स्पेस डेब्रिस. तो स्पेस डेब्री, अगर आपको याद होगा तो 2-4 दिन पहले भी हमने ये चीज देखी थी, दैट इसरो टुक इट टू दैट, कि जो फाइनल स्टेज था पीएसएलवी का, हमने उसको वापस ले आए बाय स्पेंडिंग एक्स्ट्रा फ्यूल, एंड इट एंटर्ड दी लोअर दी अर्थ एटमोसफेयर सो दैट इट गेट्स डिस्ट्रॉयड एंड द स्पेस. और जो उससे क्या क्या हुआ कि जो स्पेस है हमारा, अबाउट दिस स्पेस डेब्री का जो इशू है वो कम हो जाए. दैट इज ऑल विच वॉज द मोटिव बिहाइंड इंडिया. हाउएवर, अगर आप यहाँ पे देखो तो स्पेस डेब्री कितना ज्यादा बढ़ेगा, दैट इज वन मोर थिंग. ठीक है, जो इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट से होगा. बैक टू द एडिटोरियल. व्हाई इज मस्ट स्टारलिंक अ न्यू सॉवरेन इन द लो अर्थ ऑर्बिट? अब ये कैसे सॉवरेन एक्ट करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में, तो दैट इज वॉट वी आर गोइंग थ्रू. सो दिस हैज लेड टू अ ग्लोबल डिबेट अबाउट द टेक्नोलॉजी. ठीक है, और ये जो ग्लोबल डिबेट है टेक्नोलॉजी पे, तो एंड द डोमिनेंस ऑफ सिंगल एंटिटी फॉर द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज, जो मैं अभी आपको बोल रहा था. तो देर आर दिस दी सैटेलाइट्स विच दी सैटेलाइट्स आर एम्ड एट बेटर कनेक्टिविटी, एंड ऑफ रफली 7,500 एक्टिव सैटेलाइट्स आर देयर. टोटल जितने भी एक्टिव सैटेलाइट्स हैं उसमें से मोर देन हाफ ऑफ देयर ऑफ स्टारलिंक ओनली. मतलब अगर अर्थ के ऑर्बिट में अभी एलियो, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट, टोटल सैटेलाइट 7,500 है, तो आधे सैटेलाइट तो स्टारलिंक के ही है ना, इसको समझना है. तो वी आर नॉट अलाउइंग स्टारलिंक टू बी यूज फॉर लॉन्ग रेंज ड्रोन स्ट्राइक्स. दिस वॉज समथिंग जो इलॉन मस्क ने बोला था अभी कुछ दिन पहले. ठीक है, व्हेन जब वो एलिगेशन लगे थे दैट दे आर हेल्पिंग दिस व्हाट वी कॉल यूक्रेन इन इट्स वॉर अगेंस्ट द रशिया. ठीक है, सो फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टारलिंक्स इंपॉर्टेंस इन यूक्रेन हैज हैम्पर्ड दी ओवरऑल कोर्स ऑफ एक्शन. हाउएवर, अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया गया है, दैट इज यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो सेटिंग अप 2.4 बिलियन यूरोज अ सेपरेट फंड. ठीक है, टू हैव इट्स ओन सॉवरन सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन. चाइना के पास ऑलरेडी 13,000 सैटेलाइट्स का एक प्लान है ना. तो दैट इज हाउ कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग अगेंस्ट इट, बिकॉज दिस इज समथिंग जो मोनोपोलाइज कर चुका है स्पेस को, है ना. और यहाँ पे ये ऑथर हाईलाइट करते हैं दैट कि जो बाकी इसके कॉम्पिटिटर्स थे वो कैसे फेल कर गए. दिस इज समथिंग विच इज इंट्रीगिंग. और यहाँ पे हमें ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं, और ये पॉइंट याद रखना है ताकि हमें ये समझ आ जाए कि इसका रोल कितना बड़ा है और ये क्या कर सकता है स्पेस वॉरफेयर में. देन देर आर इशूज एट G20 नेगोशिएशन. G20 नेगोशिएशन में कुछ इशूज आए हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, जो पहले से ही थे, बिकॉज सम कंट्रीज आर एग्रींग टू इट, सम कंट्रीज आर नॉट. लैंग्वेज अबाउट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कि वेदर वी शुड बैन रशिया, वेदर वी शुड सैंक्शन रशिया, वेदर वी शुड कंडेम रशिया, और वेदर वी शुड सपोर्ट यूक्रेन, और वेदर वी शुड सपोर्ट यूक्रेन मिलिटेरली. हमें उनको फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए, हमें उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए, रशिया का तेल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए. ऑल ऑफ दिस वॉज ऑन दिस डिस्कशन, बट अभी तक कोई भी ऐसा ज्वाइंट कम्युनिक जो है इशू नहीं किया गया है, जबकि समिट होने वाला है आगे सितंबर में. तो अगर आप देखो तो अभी तक कोई भी जीरो ड्राफ्ट, जीरो ड्राफ्ट किसको बोलते हैं, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द लीडर्स डिक्लेरेशन. ये पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छा एमसीक्यू बन सकता है ये. अभी तक बहुत 5-6 महीने हो गए, बट नो सच ड्राफ्ट इज कम आउट येट. पहला मीटिंग G20 का हुआ था, विच वॉज अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन. सेकेंड वॉज अबाउट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप.
एंड दी पर्टिकुलर जो क्रिटिकल इश्यूज है ना वो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है, G7 के कुछ इश्यूज हैं, प्लस देर इज दिस इशू ऑफ फेजिंग आउट एंड फेजिंग डाउन है ना ऑफ GHGs, क्योंकि सऊदी और इंडिया अपोज कर रहे हैं फेजिंग डाउन, ये फेजिंग आउट को, जबकि वी वांट फेजिंग डाउन कि हम कार्बन एमिशंस को कम करेंगे और हमारे गोल्स 2070 में कंप्लीट हो जाएंगे, जबकि एक्चुअल में होना चाहिए था क्लाइमेट गोल्स का या एमिशन गोल्स का फेजिंग आउट, टोटली खत्म करो फॉसिल फ्यूल्स को, ठीक है। प्लस देर इज इशू ऑफ क्लाइमेट फंड्स, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, क्लाइमेट गोल्स या रिवाइजिंग दी INDCs इंटेंशनली नेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो ये सारे इश्यूज हैं जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। आप थोड़ा सा इसका नोट बना लीजिए अपने पास, ठीक है, कि कितने इश्यूज हैं, 1, 2, 3, 4 जिन पे डिलिब्रेशन हो रहा है, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया है। कल से इस पे एडिटोरियल्स आना शुरू हो जाएंगे बिकॉज समथिंग रिलेवेंट टू दिस विल बी देयर इन द एडिटोरियल इन द नेक्स्ट अपकमिंग डेज, और उसमें हम इन पॉइंट्स में थोड़ा सा और एडिशन करेंगे। जैसे हम रशिया यूक्रेन लिख दिया, ठीक है, वो भी एक डिबेट है, प्लस चेंजिंग पॉलिसीज ऑफ ओपेक एंड ओपेक प्लस, जैसा हम डिस्कस करते आ रहे हैं ओपेक एंड ओपेक प्लस, पिछले 5-6 लेक्चर्स में हमने ये दोनों चीज़ों को डिस्कस किया है। लैक ऑफ फंडिंग ऑल्सो, सी जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ है, पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे ये कभी डिस्कस नहीं होने वाला है, इसका मतलब ये है कि हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं और जब आप थोड़ा सा इस सीरीज को फॉलो करोगे तो वो चीज़ें रिपीट होती जाएंगी। और रिपीट क्यों करनी है चीज़ें, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, जितना ज़्यादा हम यहाँ पे रेपिटेशन कर रहे हैं बिकॉज वी इंटेंड, हमारा जो एम है इस डिस्कशन का, जो हमारा गोल है इस डिस्कशन का, वो ये है कि जब भी हम ये डिस्कशन करें तो हमारा जितना भी टॉपिक हो वो उसका रिविजन हो जाए पूरा, ठीक है, और बहुत अच्छे से रिविजन हो जाए, और जितना ज़्यादा रिविजन हो जाएगा उतना ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा, उतनी ज़्यादा हमारी चीज़ें याद रहेंगी। तो पहली चीज़, लैक ऑफ फंडिंग इज देयर, फंडिंग के साथ साथ देयर exists a divergent views of among the G20 members on the mandate of the environment and climate sustainability working group. तो ये जो issues यहाँ पे लिखे गए हैं, इन issues को आप थोड़ा सा note down कर लो, issues in G20, बाकी जब G20 conclude होगा तो उस time पे we will do another analysis of this, है ना, G20 का full analysis होगा, क्योंकि already there are too much of topics today. Hawkish and dovish monetary policy, किसकी, RBI की, और ये क्या होती है ये हॉकिश एंड डोविश मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की, तो डोविश मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें हम, और यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स कि इन्फ्लेशन रेज हो जाएगा फॉर ऑनगोइंग जुलाई सितंबर क्वार्टर, क्योंकि फूड प्राइसेस राइज हो रहे हैं, 200 रुपये किलो है टमाटर अभी भी कहाँ पे, दिल्ली में, है ना, सो वी एक्सपेक्ट हायर फूड इन्फ्लेशन टू पुश हेडलाइन इन्फ्लेशन टू 6% टू 6.5% इन जुलाई अगस्त बिफोर सेटलिंग टू, तो ये डेटा याद रखने का ज़रूरत नहीं है हमें, है ना, ये डेटा हम तब याद करेंगे जब हम अभी आने वाला सेप्टेम्बर का मेन्स लिखेंगे, प्रिलिम्स के बाद जब हम मेन्स लिखेंगे सेप्टेम्बर में, ठीक है, मई में हमारा प्रिलिम्स होगा, सेप्टेम्बर में हमारा मेन्स होगा, और वो मेन्स लिखते टाइम हमें जो डेटा होगा उस टाइम पे जो आ रहा होगा डेटा, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आ रहा होगा, क्योंकि फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसके बाद जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें जितना भी डेटा आएगा वो न्यूज इकोनॉमिक सर्वे का ही आएगा, कम से कम वो डेटा 15 से 20 दिन चलता है, तो वो डेटा जो है उसका हम नोट बनाएंगे। अभी इस सब डेटा का जो ये क्वार्टरली या मंथली या हाफ ईयरली डेटा आता है इन्फ्लेशन पे आरबीआई का, वो पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, रादर डोविश मॉनिटरी पॉलिसी, डोविश व्यू ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, इट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ लो इंटरेस्ट रेट, एक तो लो इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, क्यों, लो इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होगा, ग्रोथ इंक्रीज होगा, ठीक है। हाउएवर अगर आप हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी देखो, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी इज गिवन, या हॉक किसको बोलते हैं, हॉक इज समवन हु इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इट्स एन इन्फ्लेशन, ठीक है, हॉक इज एन इन्फ्लेशन, हॉक फाइनेंशियल एडवाइजर हु बिलीव्स दैट मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट है
ठीक है ना, ये इंक्रीज करने चाहिए ताकि इन्फ्लेशन जो है डिक्रीज हो जाए. दीज पीपल दे आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन हाई इंटरेस्ट रेट्स एज दे रिलेट टू द फिस्कल पॉलिसी एंड दीज हॉक्स दे आर जनरली नॉट कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, नॉट कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ बट दे सपोर्ट एन इकोनॉमी ऑपरेटिंग एट द लेवल बिलो इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो थोड़ा सा कम लेवल पे काम करें, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, और उस चीज की वजह से क्या होगा, ग्रोथ शायद कनेक्ट ना कर पाए ये लोग ग्रोथ को, बट द थिंग इज कि हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए है ताकि इन्फ्लेशन को कर्व किया जाए. तो दैट इज वाई आरबीआई भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस फूड प्राइसेस का राइज दिस पे कंपेल आरबीआई टू स्टे हॉकिश. ठीक है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई मे फोकस ऑन हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी. तो यस, देयर वाज दिस एडिटोरियल अबाउट जो मध्य प्रदेश में हम स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं चीतास को लेके, ये टाइगर्स को लेके, जो अभी तक वहां पे टाइगर्स का ग्रोथ हुआ है पिछले 6 साल में. अगर आप देखो, इंडिया हैज 53 टाइगर रिजर्व्स टोटल में, और मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व्स है. ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइगर्स अगर आपको पता है तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, उसके बाद जो उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, देर इज बांडीपुर एंड नागरहोल जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर्स है. बट मध्य प्रदेश में एक पर्टिकुलरली एक ना स्ट्रैटेजी अपनाई गई थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दैट इज दे कॉन्टिन्यूसली वो इन टाइगर्स को हर्ड करते हैं. हर्ड मतलब उनको घुमाते हैं, और कहाँ घुमाते हैं, जहां पे उनके प्रेज होते हैं, जहां पे उनको लगता है कि यहाँ पे उसको शिकार मिलेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि हिरन चीता बारासिंगा कहाँ घूम रहा है, नॉट चीता, हिरन चितल बारासिंगा कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ उनका एरिया है, बिकॉज ऑलरेडी दे आर इन सर्वेलेंस. ठीक है ना, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इन टाइगर्स को भी हर्ड करते हैं उसी तरफ, और उसी तरफ लेके जाते हैं ताकि उनके लिए जो प्रे है ना, जो उनका शिकार है वो इजीली मिल जाए, और जो शिकार है उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहे. ठीक है, और जो उनके प्रेडेटर्स है उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहे. और यही एक सजेशन दिया जा रहा है इस एडिटोरियल में कि जो क्यूनो पालपुर नेशनल, क्यूनो नेशनल पार्क में हो रहा है, क्यूनो पालपुर नेशनल पार्क में हो रहा है कि वहां पे चीतास का डेथ हो रहा है, मैसिव डेथ हो रहा है. ठीक है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड दिस थिंग कि वहां पे डेथ ज्यादा हो रहा है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए दिस इज समथिंग विच इज बीइंग सजेस्टेड ओवर हेयर. ये सजेशन आप लिख के रखो और ये सजेशन हमें काम आ जाएगी. ठीक है, प्लस देर इज सम मोर सजेशंस यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनने और क्या क्या किया, एक्टिव मैनेजमेंट उन्होंने क्या किया, जो लो डेंसिटी एरियाज थे वहां पे उन्होंने प्रे सप्लीमेंटेशन, प्रे सप्लीमेंटेशन का मतलब ये है उन्होंने और स्पीशीज को ले आए, बारा सिंगा ले आए टू इट्स न्यू हैबिटाट, है ना, और गौर ले आए. ठीक है, तो बंधवगढ़ डेड संजय संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, चीतल ले आए, है ना, और यहाँ पे और नील गाय का भी लिखा हुआ था. ठीक है, तो ये सब जो जिन पे शिकार करते हैं टाइगर्स, है ना, उन सब उन शिकार को ये लेके आ गए, और उससे क्या होता है कि दिस नेचुरल बीस्ट, दिस वाइल्ड लाइफ बीस्ट, दे फील देमसेल्व्स इन देयर ओन नेचर, है ना, और उसी से ये चीज होती है कि आपके अंदर लाइक इफ यू आर नॉट इन दैट नेचर, अगर आप भी उस नेचर में नहीं रहोगे, आप भी इंसान की तरह नहीं रहोगे, आपको भी केज किया जाएगा, आपको भी बंद रखा जाएगा, और आपका भी हैबिटाट चेंज किया जाएगा, तो दैट टू विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू, है ना. तो टाइगर रिजर्व्स जो सबसे 53rd टाइगर रिजर्व इंडिया का है, दैट इज रानीपुर टाइगर रिजर्व. ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट वाला है दैट इज रानीपुर टाइगर रिजर्व, और रानीपुर टाइगर रिजर्व को अभी 2023 में ही 23 में टोटल हमारे पास 53 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं. और अभी के लिए अगर आपको पता हो तो अराउंड अराउंड वी हैव अ टोटल ऑफ 2226 टाइगर्स, है ना. तो अभी 2 साल पहले का डेटा है, टाइगर सेंसस 2019 में आया था, और 2019 का डेटा है दैट करंटली वी हैव 2967 टाइगर्स, 2019 का टाइगर सेंसस रिपोर्ट है ना.
2019 का, ठीक है। और एमपी में, एमपी हैड द हाईएस्ट टाइगर्स एट 526 टाइगर्स एमपी में है, और कर्नाटका में अकॉर्डिंग टू दिस टाइगर सेंसस रिपोर्ट, ठीक है, टाइगर सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से एमपी हैज द हाईएस्ट, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद उत्तराखंड। हाउएवर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड की है, इट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, फॉलोड बाय नागरहोल एंड बांडीपुर, फॉलोड बाय नागरहोल एंड बांडीपुर, ठीक है। तो जो अभी सबसे रीसेंट वाला रानीपुर वाला टाइगर रिजर्व है, दिस इज द फोर्थ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, जिसका एरिया अराउंड 1440 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। आई विल आस्क यू टू रिवाइज द प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना खुद से। टाइगर्स आर फाउंड इन व्हाट, टेम्परेट फॉरेस्ट्स, दे आर IUCN के अकॉर्डिंग एंडेंजर्ड स्टेटस मिला है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अगर आप देखो तो शेड्यूल वन में है ये, ठीक है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड साइट्स का अपेंडिक्स वन, ठीक है। तो ये चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, और ये चीजें आपको साथ साथ में याद हो जाएंगी जितना आप ये डिस्कशन अटेंड करोगे, जितना आप रोज रोज चीजें पढ़ोगे, समझोगे, याद रखोगे, उतना ये चीजें ज्यादा याद रहेंगी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और अभी ये हाईलाइट किया गया है दैट 5% ऑफ द बर्ड्स विच आर देयर इन इंडिया आर एंडेमिक टू इंडिया ओनली, दैट इज ये बर्ड्स कहीं और नहीं पाए जाते हैं वर्ल्ड में, ठीक है, 5% जितने भी बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, 75 एंडेमिक बर्ड्स आर देयर इन इंडिया, ठीक है। और इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कुछ कुछ बर्ड्स का नाम, जैसे मलाबार ग्रे हॉर्नबिल, पराकृत मलाबार पराकृत, अशांभू लाफिंग थ्रश, या व्हाइट बेलीड शोलाकी, ये जो बर्ड्स है जो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज इन इंडिया, और 28 बर्ड स्पीशीज हैं ऐसी जो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है ऐसी, ठीक है। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो हमें याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद देर आर सम अदर बर्ड्स ऑल्सो हाईलाइटेड हेयर जो इंडिया में ही पाए जाते हैं, विच वेयर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड बाई IUCN, बट पास्ट कुछ सालों में इनको यहाँ पे देखा नहीं गया था, ठीक है। अराउंड 3 बर्ड्स जो एंडेमिक है, टोटल में से 3 बर्ड्स वेर देयर जो अभी तक पाए ही नहीं गए थे इंडिया में, बट आज इस साल पहली बार पाए गए हैं। तो लास्ट टाइम ना 2020 में UPSC आस्क्ड ए क्वेश्चन, उन्होंने ऊपर लिखा 3 बर्ड्स का नाम, एंड देन दे आस्क्ड व्हाट आर दीज, और बर्ड्स का नाम था साइंटिफिक नेम, ठीक है। देखो मैं ये चीजें वेगली ऐसे बोलता हूं, मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि 2020 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें 1, 2, 3 नाम थे, 3 बर्ड्स के नाम थे, और नीचे बोला गया था दैट ये जो नाम ऊपर दिए गए हैं ये क्या है, ये मैमल है, ये बर्ड है, ये क्रोकोडाइल है, या ये फिश है, ठीक है, या ये फ्रॉग है। अब मैं ऐसे क्वेश्चन को क्यों डिस्कस करता हूं, या मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, ताकि आपको एक ऐसा सेंस हो जाए, आपको एक ऐसी चीज पता चल जाए कि 2020 के पेपर में कुछ ऐसा है, आपके अंदर ये चीज आ जाए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। वरना मैं यहाँ पे एक और स्लाइड बना के या यहाँ पे लिख के आपको दिखा सकता था कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, और क्वेश्चन भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। द प्रॉब्लम हेयर इज कि मैं आपको इसलिए ऐसा बताता हूँ ताकि PYQs कुछ ऐसी चीज है जिसके थ्रू आपको खुद से जाना होगा। अगर आपने खुद से नहीं किया, अगर आपने कोई बुक पढ़ ली उसके लिए, कोई ऐसे ही कोई उठा लिया जिसमें सॉल्ट पेपर्स हो, जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशंस हो, तो आपको PYQ करने का कोई फायदा नहीं होगा। PYQs इसलिए करने हैं ताकि आपके पास बस PYQ हो, उसका आंसर नहीं हो, अगर आंसर हो भी तो UPSC की का आंसर हो, कोई सोल्यूशन नहीं हो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ठीक है। और PYQs को करना कैसे है, उससे क्या निकालना है, और क्या चीज है उसके अंदर जिससे हमारे एग्जाम में अराउंड 10 से 15 मार्क्स का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, दैट इज गारंटीड। अगर आपने PYQs को उस तरीके से किया जिस तरीके से उनको करना चाहिए, तो 10 से 15 मार्क्स का आपका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। दैट इज व्हाई आई से ऑलवेज दैट मेंटोरशिप,
ठीक है, प्रॉपर मेंटोरशिप इज वेरी 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 नेसेसरी फॉर यूपीएससी। ठीक है, पिछले साल भी इंडियन एक्सप्रेस में, अभी जब पिछले साल का रिजल्ट आया था तो इंडियन एक्सप्रेस मेंशन्ड दिस थिंग, और एक बहुत बड़ा एडिटोरियल आया था दैट व्हाई पर्सनल मेंटोरशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो दिस इज आर नंबर 9031036712, आप मुझे कॉल कीजिए इस नंबर पे, वी विल कनेक्ट यू और हम इस चीज को बहुत ही अच्छे से डील करेंगे, विच आई कॉल पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप फॉर यूपीएससी। ठीक है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, व्हाट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिस वॉज लॉन्च्ड फर्स्ट इन 1916, 1916 में स्टार्ट किया गया, क्यों, फॉर फौना, है ना, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए। तो जूलॉजिकल सेक्शन बनाया गया पहली बार कहाँ पे, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, और उसके बाद जूलॉजिकल सर्वे की 8 रीजनल ऑफिसेज है। अभी इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है, और इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी ऑफ नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन एज पर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो हमारा 2002 का है। It declares the Zoological Survey of India as National Zoological Collection, ठीक है। तो ZSI का जो particularly objective है, the objectives of ZSI are, first is survey करना, survey के reports बनाना for threatened एंड एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है, प्लस रेड डेटा बुक, फौना ऑफ इंडिया एंड फौना ऑफ इट स्टेट्स, ठीक है, बायो इकोलॉजिकल स्टडीज करना, बायो इकोलॉजिकल स्टडीज करना, प्रेपरेशन ऑफ डेटाबेस, database of what, important communities and species, maintenance and development of national zoological collection, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसका काम है, zoological survey of India का। ये चीजें आप याद रखोगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास वर्ल्ड में आज उतना खास न्यूज था नहीं, स्पोर्ट्स हम अवॉइड करते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है, कब आता है, जब वो उतना बड़ा इवेंट होता है, जैसे पिछली बार ओलंपिक्स था, ठीक है, एशियन गेम्स होता है, तो वो सारी न्यूज हम कवर करेंगे, एंड दैट विल बी कवर्ड इन मैगजीन ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट, और अगर मैगजीन में कवर नहीं भी होता है, वी विल कवर दैट इन हिंदू न्यूज़पेपर, दैट इज माई प्रॉमिस, ठीक है। देन साइंस सेक्शन में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक ना हाईलाइट किया गया था अबाउट एंडोगैमी। एंडोगैमी क्या होती है, कि आप एक ही टाइप के जो आपका कास्ट हो, आपका कम्युनिटी हो, ठीक है, कास्ट हो या आपका एक रीजन हो, उसी रीजन में, उस कम्युनिटी में, उस ज्योग्राफिकल एरिया में, जैसे ट्राइब्स में होता है, ठीक है, कि दे प्रैक्टिस दिस एंडोगैमी, कि दे विल नॉट मैरी आउटसाइड दैट कास्ट, ठीक है, एंड दे विल मैरी इनसाइड दैट कास्ट ओनली। This study says that इससे ना genetic disorders बढ़ रहे हैं, और इससे genetic disorders पाए गए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है, साउथ इंडिया और पाकिस्तान में ये genetic disorders नहीं है, there is a high degree of inbreeding, ठीक है, groups were estimated to have a high degree of inbreeding, ठीक है, तो है genetic disorders है। Now क्यों ऐसा होता है, because there was earlier a study by सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी का जो सेंटर है हमारा हैदराबाद में, तो इंडियन स्टडी है ये, 2009 की स्टडी है, विच हाईलाइटेड दिस थिंग, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडियंस था, ठीक है, विच वेयर फेसिंग हार्ट अटैक्स, बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे थे, और उनने एक चीज पाई कि उनके अंदर ना 25 बेस पेयर मिसिंग था, उस चीज को बोला गया 25 बेस पेयर डिलीशन। अब ये क्यों होता है, जेनेटिक वेरिएशन क्यों आता है ऐसा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों आता है ऐसा, ये एक पेयर ही डिलीट क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन, की आप एक ही जेनेटिक्स में या आप एक ही जीन के साथ, है ना, इंटरैक्शन कर रहे हो, तो आपका जो है हेट्रोजेनस जाइगोट नहीं बन पाता है, ठीक है, जिसको हेट्रोजाइगोस बोलते हैं, दैट इज यू आर नॉट लेटिंग योर डीएनए टू इंटरैक्ट विद अनदर डीएनए,
विच इज ऑफ डिफरेंट वेरियंट. जबकि अगर आप देखो तो इंडिया, साउथ इंडिया या पाकिस्तान में देर इज हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोस जीनोटाइप्स. दैट इज द जीनोटाइप्स बिटवीन द पीपल, दे आर एग्जैक्टली सेम, है ना. और उसकी वजह से ये दिक्कत हो रहा है दैट द वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स द डिजीजेस, जो नई नई डिजीज आ रही है उसकी वजह से फिर देर आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, देर आर फेलियर्स एंड देर आर कार्डियक अरेस्ट्स ऑल्सो. इस चीज को याद रखना है. इस चीज में एक चीज अवॉइड करनी है, वो ये है कि जो इसने स्टडी किया हुआ है वो स्टडी का जो मटेरियल है ना वो रिसर्च के लिए जरूरी है, वो रिसर्च जिसको करना होगा वो करेगा. बट अभी हमारे लिए क्या जरूरी है, दो तीन चीजें कि ये होमोजाइगोस और हेट्रोजाइगोस क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है. जेनेटिक्स पे वो हर साल एक क्वेश्चन पूछते हैं, अब वो क्रिस्पर हो, वो कैस नाइन हो, वो उसके बाद जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी हो, वो जेनेटिक एप्लीकेशंस हो, वो हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है. और इस स्टडी ने हाईलाइट क्या किया, अब ये स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी का अगर क्वेश्चन आएगा तो इट विल लिंक द एंडोगैमी विथ दीज इशूज. ठीक है, क्या एंडोगैमी से ये इशूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो देर आर पॉसिबिलिटीज ऑलवेज, है ना. तो फॉर द सेक ऑफ पॉपुलेशन दिस इज ऑब्वियसली फ्रॉट विद सेंसिटिविटीज ओइंग टू डीप रूटेड कस्टम्स एंड बायसेस. जो हमारे यहाँ है कस्टम्स बायसेस या जेनेटिक प्यूरिटेनिज्म, उस सब चीज की वजह से शायद ये जेनेटिक डिसऑर्डर रहे, ये जेनेटिक यूनिकनेस रहे हमारे अंदर और उसकी वजह से ये सब चीजें हो. और इसको ठीक करने के लिए वी नीड टू हैव दैट बिहेवियरल चेंज इन द इंडियन सोसाइटी. इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजन मैरिजेस, क्रॉस रीजन मैरिजेस, इंटर रीजन मैरिजेस, वो सब चीजें वी शुड प्रमोट मोर एंड मोर फॉर हेल्दी पॉपुलेशन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टडी ना लास्ट में ये भी बोलती है कि हमें हेल्दी फ्यूचर के लिए, हेल्दी जनरेशन के लिए क्या करना चाहिए, है ना. तो हेल्दी जनरेशन के लिए वी शुड टेक दीज डिलिबरेट स्टेप्स, और हमें ये डिलिबरेट स्टेप्स लेने चाहिए कि हम आउटसाइड, अपने कॉम्फर्ट जोन के आउटसाइड, ठीक है, गो मैरी आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. ठीक है, जो आपका ऑलरेडी रीजन है उससे बाहर जाके शादी करो और वहां पे जस्ट हैव दिस थिंग एज अ गिफ्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन दैट यू आर लीविंग देम विद अ गुड एंड रेजिस्टेंट एंड रेजिलियंट डीएनए. ठीक है, व्हाट इज सुपरनोवा. ठीक है, अभी से नहीं करना है इसके बारे में, पहले एग्जाम निकालना है उसके बाद सोचना है इसके बारे में कि शादी कहाँ करेंगे, है ना. तो व्हाट इज सुपरनोवा, द यूनिवर्स इंजन, यूनिवर्स को चलाने वाला एक चीज क्या है, सुपरनोवा. सुपरनोवा क्या है, दिस इज द हाईएस्ट, है ना, जो सबसे बड़ा, अगर आप कभी लाइफ में ब्लास्ट देख सकते हो, है ना, सबसे बड़ा ब्लास्ट अगर ह्यूमंस कभी देख सकते हैं तो दैट इज सुपरनोवा, इस पूरे यूनिवर्स का. ठीक है, और इतना बड़ा ये ब्लास्ट होता है जब ये, और ये ब्लास्ट कब होता है, ये ब्लास्ट होता है जब स्टार मर रहा होता है, डाइंग ऑफ स्टार. और ये स्टार मरता क्यों है, ठीक है, और ये स्टार जब मर रहा होता है तो ब्लास्ट क्यों करता है, तो ये वो आखिरी चीख होती है वो स्टार की कि वो मर गया. ठीक है, दिस इज द लास्ट क्राई ऑफ दैट स्टार. और ये होता क्यों है, बिकॉज अगर आप देखो, अगर ये एक स्टार का स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, ठीक है, तो ये स्टार का कोर है, कोर के बाहर देर इज हीट एंड प्रेशर, और हीट और प्रेशर की वजह से, है ना, यहाँ पे आउटसाइड पुश ये स्टार हमेशा देता है दैट आई शुड एक्सपैंड मोर एंड मोर. और उस पुश को पकड़ने के लिए या ये बाउंड्री को सेट करने के लिए देर इज ऑलवेज व्हाट वन मोर थिंग जो इसको वापस पुश कर रही होती है, दैट इज ग्रेविटी, है ना. ग्रेविटी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ ऑल द एनर्जी विच इज देयर कंप्राइज्ड इनटू दिस लाइक मास यूनिट और एलिमेंट, है ना. इस स्टार के अंदर जितना भी रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है ना, तो जितना भी न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, उस सब की वजह से इस मतलब जितना इसका डेंसिटी ज्यादा है उसकी वजह से देयर इज दिस ग्रेविटी. तो जो टैंडम एक बनता है, है ना, ग्रेविटी हीट और प्रेशर का, है ना, या ये जो फोर्स आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स है ग्रेविटी का, इनका एक बैलेंस बना होता है और ये स्टार चमक रहा होता है. बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो जो आग है, वो जो फ्यूल है कोर में, या वो जो फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे,
वो फ्यूजन खत्म हो जाता है, ठीक है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो फ्यूज हो जाता है, क्या दैट दिस स्टार एग्जॉस्ट्स टू फ्यूज एंड देन इट ब्लोज अप, और उसके बाद ये ग्रेविटी इसको कोलैप्स कर देती है और ये ब्लो आउट हो जाता है। दूसरा इंस्टांस ये है कि जब ये स्टार, दो स्टार्स आपस में ही ऑर्बिट कर रहे हैं, एक वाइट ड्वार्फ है और दूसरा जो है उसके अंदर कोलाइड कर जाता है और वो दोनों मिल जाते हैं आपस में, उस टाइम पे भी सुपरनोवा होता है, ठीक है। तो सुपरनोवा होने के दो चांसेस है, और सुपरनोवा होता क्या है वो भी आपने देख लिया कब कब होता है। अब सुपरनोवा होता है तो उससे क्या होता है, अगर आप देखो तो सबसे रेयर मतलब अभी का जो मेटल है ना, प्रेशियस मेटल गोल्ड जिसको हर जगह एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, यूरेनियम हाईली सॉर्ट आउट मटेरियल, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल की हमें मिल जाए, लिथियम और ऑल सच मिनरल्स है ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो यूज होते हैं, दीज आर द फॉर्मेशंस ऑफ सुपरनोवा ओनली एयॉन्स एगो, ठीक है। और एयॉन कितना होता है, एयॉन इज अ ईयर, है ना, कितना 1 बिलियन ईयर्स के बराबर होता है एक एयॉन इन द व्हेन वी टॉक अबाउट एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो आई थैंक यू हियर फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस डिस्कशन, फॉर हैविंग दिस पेशेंस एंड फॉर गेटिंग योर डाउट्स क्लियर्ड। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट्स का, अगर आपको कोई डाउट है तो आप भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वी वेलकम योर डाउट्स ऑलवेज एट परफेक्शन IAS। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, परफेक्शन IAS दिल्ली ब्रांच, ठीक है, जो करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास है, आप आइए फॉर योर मेंटोरशिप सेशंस, यू आर मोस्ट वेलकम देयर, एंड दीज मेंटोरशिप सेशंस विल बी फॉर योर गाइडेंस ओनली, दीज मेंटोरशिप सेशंस विल बी फॉर योर aligning of your studies only, there is no such thing कि आपको charge किया जाएगा या आपको कुछ fees pay करना पड़ेगा, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। We just have this thing that the ethical things which are there in our organization, that is it's there for the help of the students, ठीक है।